स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद झरिया विधायक संजीव सिंह ने कहा कि केडी पांडे के जनता मजदूर संघ छोड़ने से संगठन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ने वाला है और न ही आगामी विधानसभा चुनाव में झरिया सीट जीतने के लिए बीजेपी को कोई मुश्किल होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को केडी पांडे का समर्थन नहीं मिला था, बावजूद इसके बीजेपी उम्मीदवार पीएन सिंह को झरिया क्षेत्र से 91,000 वोट मिले थे। शुक्रवार को संजीव सिंह ने कोर्ट में हाजिर होने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कही। मैं जहां तक जानता हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माननीय बसवती नाथ सिंह जी थे और झरिया में 91,000 कुछ वोटों का वो वोट पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, और उस समय याद है मुझे कि केडी पांडे जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी को इससे प्रभाव नहीं पड़ता है कि जो लोकसभा में नहीं थे वो विधानसभा में उनकी जरूरत है।